नमस्कार, जनटीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 कानूनों को लेकर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सीएम धामी के समक्ष दिया प्रस्तुतिकरण। सीएम धामी रहे मौजूद, 1 जुलाई से लागू होंगे 3 कानून। मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 11 विभागों के 165 सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ सहायकों को सौंपे, सभी को दी बधाई। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार। रुड़की और जोशीमठ में दोनों दलों में सीधी टक्कर। प्रत्याशी निजामुद्दीन और लखपत सिंह बुटोला और करतार सिंह भड़ाना ने मांगे वोट। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग। 13 को आएगा रिजल्ट। चुनाव से पहले प्रशासन जुटा तैयारियों में, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और हरिद्वार में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। गंगा की सहायक सूखी नदी के तेज बहाव में 8 से 10 गाड़ियां बही। हर की पैड़ी पर भी जलस्तर बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण दिया। इस प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने के लिए किए गए प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस हस्त पुस्तिका का विमोचन भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 5 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14,800 नियुक्तियां प्रदान की गईं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए यह आशा जताया कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे। दस जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में लगातार भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हर ग्रामीण इलाके में अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें, घर घर जाकर लोगों से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान जोशीमठ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ संख्या 28 पैनी गांव और सलूड गांव पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। आज हम सेलंग और पैनी ग्राम में आए हुए हैं और हमने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जो 10 जुलाई को जो हमारा वोट होना है तो उस पर कमल पे ज़्यादा से ज़्यादा निशान देके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तभी हमारा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तीव्र गति से होंगे। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 10 जुलाई को होना है, जिसकी तैयारी में लगातार शासन प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में पुलिस प्रशासन और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही सभी मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए जागरूक किया। चुनाव करीब आते ही तमाम दलों के नेता जगह जगह जनसभाएं कर लोगों से खुद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल, राज्यसभा सदस्य इंजीनियर रामजी गौतम, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव लिबरहेड़ी और लाहबोली में जनसभाएं कर बसपा प्रत्याशी उबेदुर रहमान उर्फ मोंटी को जिताने की अपील कही। चुनाव हार रही हैं और ये पहले भी हार चुके हैं 2022 में, क्योंकि भाजपा के पास तो प्रत्याशी भी नहीं था। भाजपा वाले तो प्रत्याशी हरियाणा से लेकर के आए, जो हेलीकॉप्टर से आया हेलीकॉप्टर से 10 तारीख को वापस चले जाएगा। और रही बात कांग्रेस, कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। उन्हें मालूम था कि यहाँ पर उनके
सरबत करीम जी के बेटे को टिकट दिया गया है, जिनको हक बनता है समाज ने और यहाँ बहुजन समाज के साथ साथ सर समाज के लोगों ने यहाँ से विधायक बनाया था, उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के साथ डील करके यहाँ पर उनको हराने के लिए ही उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। हवाई प्रत्याशी हो जहाज वाला, वो जहाज में चले जाएगा। दूसरा जो प्रत्याशी है वो बाहर का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं कहीं प्रदेशों का प्रभारी है, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन, माननीय विधायक जी, प्रभारी जी, हम लोग पूरा, हमने संगठन लगा करके लगे हुए हैं। नहीं, बहन जी का कार्यक्रम नहीं होगा और भाई मोंटी से हम पूछ लेंगे अगर आकाश आनंद का कोई ऐसा होगा, परंतु बहुजन समाज पार्टी अस्वस्थ है, वो नहीं, उसे पता है कि यहाँ कौन लोकल बॉडी के साथ रह करके काम करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की टीम बहुत मजबूत है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है और ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है तो बहुजन समाज पार्टी की रहेगी इंशाल्लाह। आज जो सभा हुई है भारी प्रत्याशी बताया गया, दोनों भारी प्रत्याशी बताया गया, दोनों प्रत्याशियों को कांग्रेस के और भाजपा। देखिए वो जग जाहिर है, आप उनका इतिहास उठाकर देख सकते हैं, ये कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं है, आप उनका इतिहास उठा करके देख सकते हैं, लोगों से, लोगों के बीच में जा करके आप उनसे पता कर सकते हैं। जो लोहाघाट में स्पेशल खुफिया पुलिस सहायक कार्यालय के भवन की दीवार बारिश से अचानक देर रात बह गई, इससे कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो गया। रात में दीवार गिरने से आसपड़ोस के लोगों में दहशत फैल गई। सुबह कार्यालय प्रभारी राजेंद्र सिंह के कार्यालय पहुंचने पर आसपास के लोगों ने उन्हें भवन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी। कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय के जरूरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में मॉनसून की पहली बारिश से ही प्रलय जैसे हालात नजर आने लगे हैं। प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। हरिद्वार में सूखी नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि उसमें कई गाड़ियां बहती नजर आईं। जिला प्रशासन ने नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना शुरू कर दिया। दरअसल हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से सूखी नदी खड़खड़ी होते हुए गंगा नदी में मिलती है, इसमें अचानक बारिश का पानी बढ़ गया और सूखी नदी में खड़े कई वाहन नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। ये नदी आगे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर मिलती है। विधानसभा क्षेत्र के गांव नारसन कला में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नारसन के लोगों के वो आभारी हैं जिन्होंने उन्हें यहां वोट देकर सांसद बनाया और उन्हें उम्मीद है कि इस बार करतार सिंह भड़ाना को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने लोकसभा के लिए यहाँ से मुझे अपना सांसद बनाने के लिए वोट डाला है। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का कि यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन। रुड़की में जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही वैसे सभी प्रत्याशी अपना अपना शक्ति परीक्षण तेज करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भगवानपुर चंदनपुर गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है क्योंकि भाजपा और बसपा प्रत्याशी को छोड़कर उन्हीं की गाड़ी चेक की जा रही है, जबकि भाजपा प्रत्याशी अपने पूरे दल के साथ पूरा होटल घेरे बैठे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बस अड्डे से गाड़ी अगर चलती है पहले कार्यालय आता है बसपा का, फिर उसके बाद नाका लगता है, उसके बाद मेरा घर है, यानी बसपा के ऑफिस में कोई गाड़ी आएगी तो उसकी चेकिंग नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का अड्डा है इस टाइम सेंट्रम होटल, उसमें कोई चेकिंग उसके इर्द गिर्द नहीं है। जो हमारी विधानसभा मंगलौर 20 मिनट में कोने से दूसरे कोने आदमी जाता है, हेलीकॉप्टर की लेकर आने वाला व्यक्ति जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं,
उनकी गाड़ियों की कोई चेकिंग नहीं होगी। तो सिर्फ मेरे घर जो गाड़ी आ रही है, मेरे घर से जो गाड़ी जा रही है, सिर्फ उसी की चेकिंग होगी, ये न्यायोचित नहीं है। मुझे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में लगातार सभी दलों के प्रत्याशी हर ग्रामीण इलाके में भ्रमण कर वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी अपने अपने दलों के पक्ष में वोट की अपील लोगों से कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला भी लगातार आजकल हर ग्रामीण इलाके में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अपने आप आ रहा सुनने के लिए, इससे आपको लगता है कि आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो उपचुनाव हम पे थोपा गया है वो बद्रीनाथ जनता उसका बदला लेगी और इस बदले के बदले लोग कांग्रेस को अपना सपार प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ से जिता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा से एक महीने पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के सामने अपना चेहरा चमकाते रहे। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई जगह पर यात्रा का पड़ाव होना चाहिए, जिससे तीर्थयात्री वहां के मौसम और माहौल को समझ सकें। देखिए, पहली गलती तो ये कर गए हैं कि जिस समय यात्रा का प्रबंधन करना था, एक महीने पहले से प्रबंधन करना पड़ता है, उस समय तो ये अपनी अपने चेहरे अपने राष्ट्रीय नेताओं को दिखाने की भूल में लगे रहे। सारी भाजपा जो सारा मंत्रिमंडल, इन्होंने ध्यान दिया नहीं, संयोजन ही प्रारंभ में बिगड़ गया, गड़बड़ा गया। अब उसका परिणाम है कि बिगड़ी हुई छाछ को कितना ही संभालिए तो उससे मक्खन निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, यात्रा बिगड़ गई। और इसमें मैंने एक सुझाव मैं इनको प्रारंभ से देता हूँ, ये 24 घंटा जो खोल दिया आपने कि आप कभी भी जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, उसके दो दुष्परिणाम। एक तो थक जा रहे हैं ड्राइवर, थक जा रही है और मशीन भी थक जा रही है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं सड़क एक्सीडेंट। गदरपुर क्षेत्र से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला के कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन और सरकार को लेकर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए यहाँ से सभी पांचों सांसदों को विजयी बनाकर संसद भेजा है। बल्कि 70% योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि जिनके कामों को जनता ने पसंद करते हुए उत्तराखंड की जनता ने कमल के फूल को वोट डालकर पांचों सांसदों को जिताने का काम किया। आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और ये जनता के लिए 100% समर्पित है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, सभी मंत्री मिलजुल कर एकजुट। खबर उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक से है। यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय प्रतिनिधियों को सदस्य न बनाए जाने को लेकर विधायक और ब्लॉक प्रमुख काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि इको सेंसिटिव जोन में जब भटवाड़ी ब्लॉक आता है तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों को या फिर प्रतिनिधि को क्यों नहीं सदस्य बनाया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक से प्रस्ताव जाए कि जो इसकी जो 88 गांव इसमें ले हैं और जो इसकी 100 किलोमीटर की दूरी लिए इसको, इसकी जो दूरी है वो तो मात्र 30 किलोमीटर की जाए और 100 किलोमीटर की जगह जो है घटाकर 70 किलोमीटर घटाकर 30 किलोमीटर की जाए। दूसरी, मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इकोसेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जो लोग यहाँ की भावनाओं को गलत तरह से तथ्य रखते हैं तो सामने अगर जनप्रतिनिधि होगा तो जनप्रतिनिधि को जो वहाँ का चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, जिला पंचायत है, कि जो हमारे जून में जो हमारे क्षेत्र जो
घोषित किया जाए बहुत दुखद की बात है। और उसके बावजूद उसमें कमेटी जो बनी हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि ने रखे गए वो बहुत दुख की बात है। और उसमें जो बाहरी लोग हैं उनको रखा गया जिनको हमारे क्षेत्र से कोई लगाव नहीं, जो कि जिस पर कि इको सेंसिटिव जोन का हम पे थोपा गया है। और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी में उन लोगों को जोड़ा गया है जिनका दूर दूर न तो पहाड़ से कोई रिश्ता है, न पहाड़ से कोई नाता है और न वो हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। इसमें हेमंत ध्यानी जी हैं, हेमंत पांडे जी हैं, मल्लिका जी हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको जो अपने एसी कमरे में बैठ करके इन मुद्दों पर हमारे ऊपर जो थोपे गए काला कानून है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का एक भी जनप्रतिनिधि न उसका मेंबर है और न उसमें समिति में बुलाया गया था। हमारा आज BDC के माध्यम से पूरे सदन ने एक ध्वनिमत से प्रमुख जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के। चंपावत जिले में लंबे समय से जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री घस्यारी योजना के तहत पशुपालकों को सस्ती दरों में मिलने वाले पशु आहार की सप्लाई कई महीने से बंद पड़ी थी। इसके कारण पशुपालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पशुपालक बाजार से महंगे दामों में पशु आहार खरीदने को मजबूर थे। पशुपालकों द्वारा मुख्यमंत्री और सहकारिता विभाग से पशु आहार की पूर्ति करवाने की मांग बार बार की जा रही है। वहीं पशुपालकों की मांग का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट क्षेत्र में सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री घस्यारी योजना का पशु आहार उपलब्ध करवाया। वहीं पशु आहार की गाड़ी आते ही पशुपालकों की भारी भीड़ जुट गई। लागू कर रखी है उसका सब जनता तक बराबर जो लगातार अगर गाड़ी आती रहेगी तो पूर्ति हो जाएगी। आप बहुत समय बाद ये गाड़ी आई है तो इसलिए यहाँ तक अभी खपत कम हो रही है तो पहुँच नहीं रहा है तो यहाँ पब्लिक काश्तकार परेशान है। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे जितने भी काश्तकार लोग हैं कि सब लोग इसमें पर डे जो दो गाड़ी इनकी दो समितियाँ हैं उसमें कंटिन्यू दो गाड़ियाँ रोज आनी चाहिए। हमारे जितने भी किसान हैं, पशुपालक हैं, हमारी महिला हैं, आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया है और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, हमें भी व्यक्तिगत रूप मुझे भी सहयोग किया है और विभाग के माध्यम से भी आप लोगों को समय समय पर जो आश्वासन दिया गया था आपने लंबे समय बाद गाड़ी आई है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी और आप लोगों ने हम लोगों के सहयोग के लिए जो भी आपके अब कम मात्रा में ले जाकर हमें सहयोग किया है उसके लिए मैं सभी काश्तकारों को हमारे जितने केसर भाई बहन लोग उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में ऐसा है कि जरूर आप लोगों की जितनी भी डिमांड है पूरी की जाएगी। डोईवाला क्षेत्र में लगातार जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले सामने आते जा रहे हैं। हाल ही में कोतवाली डोईवाला में 15 मई को SIT से जांच होने के बाद मदन सिंह नकरोंदा का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत बड़ोवाला डोईवाला में ग्राम समाज की भूमि को अपना बताकर धोखाधड़ी से भूमि बेचने की एवज में 58,90,000 रुपए लेने और अभियुक्त गण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात कही। शिकायती पत्र के आधार पर तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त गण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। अभियुक्त उमेश दरमोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध मानेश्वर महादेव मंदिर के बाबा रमनपुरी को पुलिस ने स्मैक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। SP चंपावत अजय गणपति का नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। SP के निर्देश पर लोहाघाट थाने के SHO अशोक कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस को चेकिंग के दौरान बलाई मार्ग से दो अलग अलग वाहनों में आते हुए दो लोगों की चेकिंग की गई। मामले में SHO अशोक कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान अजय मेहरा निवासी प्रेम नगर लोहाघाट के पास से 4.54 ग्राम और मानेश्वर मंदिर के पुजारी रमनपुरी के पास से 3.49 ग्राम स्मैक बरामद हुई। June 6, 2024 को बलाई जाने वाले रास्ते पर करीब 400 मीटर दूर दो व्यक्ति अलग अलग वाहनों पर मोटरसाइकिल स्कूटी पर सवार व्यक्ति जो थे हाईवे की तरफ से पुलिस चेकिंग की और आने वाले पुलिस चेकिंग टीम की और आने वाली पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान नंबर एक अजय मेहरा पुत्र विक्रम सिंह मेहरा उम्र 30 वर्ष निवासी प्रेमनगर लोहाघाट और दूसरा है रमनपुरी पुत्र गुरु कपिल मुनि और वो 55 वर्ष निवासी मानेश्वर मंदिर पुजारी हैं और मूल है ग्राम धनगोली रानीखेत जनपद के हैं। इन दोनों के पास से करीब 4.54 ग्राम एक से और 3.49 ग्राम एक से इसमें बरामद हुई है।
उत्तराखंड में मानसून के दौरान हर साल बड़ी आपदाएं आती हैं, जिनसे निपटने के लिए पर्याप्त साधन न होने से कई तरह की चुनौतियां बनी रहती हैं। ऐसे में चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने इस बार आपदा की स्थिति में 3 हेलीकॉप्टर तैनात करने का निर्णय लिया है, ताकि वक्त रहते राहत और बचाव कार्य किए जा सकें। ऐसे में पहली बार प्रदेश सरकार इस मानसून सीजन में आपदा राहत बचाव कार्यों के लिए 3 हेलीकॉप्टर की तैनाती करने जा रही है, जिसके साथ साथ SDRF और NDRF की टीम भी मौजूद रहेगी। युकाड़ा के CEO सी रविशंकर का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जुलाई के महीने में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए जाएंगे। एक्चुअली मानसून सीजन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स जो है मऊ और गढ़वाल के लिए जो है रखने के लिए जो है प्रयास किया गया है। अभी टेंडर में एक टेंडर का फाइनल हो गया है, दूसरा टेंडर में थोड़ा रेट ज़्यादा आया है, तो उस संबंध में जो है अभी निर्णय होना है। इसके अलावा जो है जो एयर एम्बुलेंस है वो एम्स बेस्ड रहेगा, जिसमें जो है कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज अगर कोई आता है उसको हैंडल करने के लिए जो है वहाँ पे वो भी जुलाई मंथ में पहला हफ्ते या मैक्सिमम सेकंड हफ्ते तक उसका भी लॉन्च होने का संभावना है। इसलिए जो है हमारे पास वर्धमान में एक टेंडर फाइनल हो गया और एक एयर एम्बुलेंस देखेंगे तो 2 हो गया है। तीसरा जो ऑप्शन है उसके लिए अभी दोबारा टेंडर करने का प्रक्रिया है। एक तो हम वैसे गढ़वाल रीजन में रखेंगे, देहरादून में रखेंगे, और दूसरा जो है पिथौरागढ़ में रखने का है, तो तीसरा जो एम्स वाला एयर एम्बुलेंस है वो एम्स ऋषिकेश में रहता है। झारखंड सरकार ने त्रिकुट रोपवे हादसे के संबंध में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। झारखंड सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार पर भी प्रदेश में रोपवे का संचालन कर रही सभी कंपनियों की जाँच करने का दबाव बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में रोपवे के संबंध में अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। धनोल्टी स्थित सुरकंडा देवी के लिए बना रोपवे भी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ही संचालित कर रही है। इस कंपनी के खिलाफ अब जांच मांग की उठने लगी है। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय की माने तो ऐसी सभी कंपनियों की जांच होनी चाहिए जो यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। भाजपा विधायक ने कहा कि सुरकंडा देवी रोपवे मामले में वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहे, जब रोपवे की ट्रॉली फंस गई थी वह उस ट्रॉली में थे। इनमें सुरक्षा के सर्वोत्तम उपाय होने चाहिए। मैं जब वहां गया था और बीच में जब ट्रॉली फंस गई, वो तो हम भाग्यशाली थे कि वो जो है ना उसका जो अलाइनमेंट था थोड़ा बच गया और वो रास्ता उसका निकला नहीं। वो पता चला कि रोपवे का ठेका तो किसी और को दे दिया, वो पैसा खा करके अपना भाग गया, और फिर जो है जो अभी उसको संचालित कर रहे हैं उनको भी जो है वो धोखा दे करके भाग गए। रोपवे संचालन करने वाली दामोदर रोपवे कंपनी के खिलाफ प्रदेश के भीतर जांच की मांग उठने लगी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, धामी सरकार इन मामलों में पहले से ही सजग है, इसलिए हो सकता है कि यहां पर जांच की जा सकती है। रोपवे वगैरह के काम पूरी तरह से तकनीकी रूप से हैं, और तकनीकी रूप से जितने भी मानक रोपवे के संचालन के लिए पूरे करने चाहिए, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, और जैसे झारखंड में घटना हुई है इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी जहां जहां भी, केवल सुरकंड में नहीं, जहां जहां भी रोपवे के संचालन हो रहे हैं उनके निर्धारित मानदंड, जो बेसिक मानदंड उसके हैं, उनको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी निगरानी भी करेगी, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी करेगी। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो उत्तराखंड में कई रोपवे कंपनियां कार्य कर रही हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि जहां पर भी भाजपा सरकार सत्तासीन है लेकिन सरकार मंत्री और विधायक इन विषयों पर खामोश है। धनोल्टी में सुरकंडा देवी में इसी कंपनी से प्रोजेक्ट बनवा रही है और बार बार इस कंपनी के द्वारा टेक्निकल फॉल्ट्स की वहां से खबरें आ रही हैं। एक बार तो टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय तक उसमें फंस चुके हैं। तो ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि एक सरकार जब एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है और वहां हादसों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार उस कंपनी को लगती है, तो क्या उत्तराखंड सरकार को इस सारे मामले को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट।
विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला कर्मचारी भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। हालात ये हैं कि जिले में तैनात ACMO डॉक्टर कुलदीप यादव की ओर से महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को समय समय पर परेशान और उनका मानसिक उत्पीड़न मामले ने जोर पकड़ दिया है। जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने ACMO को हटाने की मांग की। CHO के बाद क्षेत्रीय लोगों और व्यापार मंडल सहित जनप्रतिनिधि भी उनके विरोध में आ गए हैं। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात की और काफी नाराजगी जाहिर की। हमारे किसी स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये मामला शासन तक पहुंचा था और कल शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं एक हफ्ते के अंदर जो है इसकी जांच कराकर शासन को एक रिपोर्ट भेजूंगा। तो तत्संबंध में हमने कल ही जो है एक जांच समिति बना दी है जिसमें अपर जिलाधिकारी जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहा गया है कि वो 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो भी उसमें निकल के आएगा उसको शासन को रेफर किया जाएगा और फिर डिसीजन शासन बना दिया जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित 3 कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। साथ ही नए कानून में कुछ धाराओं को हटाकर कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित 3 कानून IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। कुछ अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, कई अपराधों में सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। महिला संबंधी अपराधों पर सख्त कानून तैयार किए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्यता दी गई है। ये 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।